बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हुए हैं अयूब पार्क रावलपिंडी में। तो बड़ी गहमा गहमी सी है, बड़ी हलचल है, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, बच्चों की फरमाइश पे आए हैं। और ये देखें कितना हरा भरा फूलों से भरा हुआ ये दरख्त सा है, ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है। और बच्चे जो है ना बड़े खुश हैं झूलों पर। ये देखें यहाँ पर भी अबू बकर तो बहुत खुश होते हैं, स्पेशली वो देखें ऊपर चढ़ रहे हैं अबू बकर। और काफ़ी रौनक है यहाँ पे। ये पीछे वाले सारे झूलों का विज़िट कर चुके हैं और अबू बकर को देखें ऊपर चढ़े हुए हैं। आतिफ भी हैं साथ में। ये देखें जी यहाँ पर वाइट पिकॉक हैं और ये जंगले में ही देखें। एक वो देखें ऊपर भी बैठा हुआ है, वो देखो अबू बकर ऊपर चढ़ा हुआ। अबू बकर अच्छे लग रहे हैं पिकॉक आपको? हाँ। कितने प्यारे हैं? बहुत प्यारे। कितने इधर देख के बताओ? बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं। हाँ, चलो अभी हम दूसरे भी जाते हैं, पास आते हैं। ठीक है चलो। और यहाँ पर देखें यहाँ पर दूसरे मोर हैं, ये देखें कितना खूबसूरत मोर है, बड़ा भी है। ना कर ना कर, चला जाएगा, नहीं जाते। इसकी दम बहुत खूबसूरत है जी। और चिप्स लिए हैं खाने के लिए, ऊपर जो है ना बड़े मज़े की खटास है, कुछ केचप वगैरह, कुछ मसाला। बहुत मज़े के हैं। और ये देखें दरख्त कितने खूबसूरत जो है ना सजे हुए हैं, जैसे अल्लाह ताला ने सजाया हुआ है इनको। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये दरख्त, नीचे से ऊपर तक पत्ते हैं इसके। ये देखें ऊपर से तो फैला हुआ है लेकिन नीचे से तने जो हैं वो इसके बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दरख्तों के। ये देखें ये इस साइड पर जंगल है सारा। और अब हम जिस रास्ते से अंदर जाएंगे ना, ये देखें ये दरख्त का, देखें दरख्तों से कितनी प्यारी जगह बनाई हुई है। ये देखें ऐसे लग रहा है कि शाम हो गई है अंदर आके ना। नीचे जो है ना गहराई है काफ़ी। और यहाँ पर देखें पानी कितना खूबसूरत है और बोट्स खड़ी हुई हैं पानी में जाने के लिए, सैर करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल कोई भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर ये आर्मी के जो है ना हमारे जंगी जो है वो सामान की तस्वीर हैं और कुछ जंग के मनाजर हैं, आप देख सकते हैं। इधर तोप लगी हुई हैं और ये देखें ये कौन सी हुआ।
ये देखें कोई पुराने जमाने की ये तोप है जी, ये देखें। ये पुरानी तोपें हैं और ये टैंक हैं, ये देखें टैंक। बेशुमार जो है ना जंगी सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, ये देखें। ये भी पुराने ज़माने की कोई तोप है, आप देख सकते हैं। आतिफ सल्यूट सल्यूट। मामा इस पे सीधा नहीं खड़ा होगा। बेटा इसके में बैठने दो, तस्वीर कुछ तो आगे अपने कर देगा। आतिफ और अबू बकर जो है ना वो जी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। ये भी देखें जी पुराने ज़माने का टैंक है कोई। और ये हिंदुस्तान का टैंक है, ये देखें शायद किसी जंग में उनसे जीता हुआ ये टैंक है। ये देखें झंडा हिंदुस्तान का, ये इस बात का सबूत है कि वो यहाँ ये छोड़ के चले गए थे। ये देखें और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1924 है शायद। तो ये नीचे बजरी बिछाई हुई है इसके, और ये जो है हमारी बहादुरी का मुंह बोलता सबूत। ये टैंक भी जो है जी इसका जो खाका है ना 1950 की दहाई के आखिर में रूस में तैयार किया गया था और फिर इसे रूसी फ़ौज के हवाले किया गया। ये जो है ये टैंक भी जो है ना हमारी जो है ना शान और शौकत का सबूत है। और ये भी देखें मुझे तो कुछ इतनी समझ नहीं है इनकी। और ये देखें ये जीप, ये शायद बहुत पुरानी जीप है, अक्सर पुरानी फिल्में भी देखिए। और बहुत सारी जो है टैंक्स तो और पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। बच्चे बहुत शौक से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। हमारी फौजी आन शान बान, हमारे मुल्क का गुरूर, आप भी देख सकते हैं। तो अभी हेलीकॉप्टर्स में जाएंगे, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी रखे हुए हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स में बैठना है तो अभी वहाँ पे भी जाएंगे। बच्चे जो है ना ये बख्तर